कमाल की खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ चलिए बात करेंगे, एक बड़ी खबर इस समय मिल पा रही है और ये बड़ी खबर है कन्नौज से अखिलेश यादव 1,00,000 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए बम्पर जीत अखिलेश यादव के पास जाती हुई दिखी, जो प्रदर्शन था कहीं ना कहीं सपा का उम्मीद से बेहतर होता दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कन्नौज से अखिलेश यादव 1,00,000 वोटों से आ गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, करण भूषण सिंह 1,00,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। तो देखिए करण भूषण सिंह को जब टिकट दिया गया था किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की ओर से निशाना साधा गया था उनके पिता को लेकर, लेकिन यहां पर जो अंतर है वो यहां पर भी साफ देखने को मिल रहा है आरोपों के बीच में और वोटों के बीच में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह 1,00,000 वोटों से आगे हैं, 1,00,000 से ज्यादा वोट हैं जिनसे जिसके अंतर से वो आगे चल रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा मुश्किल है इस समय उन्हें टक्कर देना। और इस समय आप जानते हैं कि कौन से चरण में मतगणना पहुंच चुकी है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांटे की टक्कर है यूपी की कई सीटों पर, और यूपी की बात करें यही निर्धारित करता है, यही राज्य निर्धारित करता है कि दिल्ली में कौन बैठेगा। अगर यूपी आज डगमगाता दिखाई दे रहा है तो वो डगमगाहट आपको ऊपर एनडीए और आईएनडीए के आंकड़ों में भी साफ देखी जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर की अगर बात करें तो यहां पर एसपी आगे नजर आ रही है, यूपी में कई सीटों पर कांटे की टक्कर, फरुखाबाद सीट पर एसपी 335 वोट से आगे है, फतेहपुर में एसपी 4,514 वोट से आगे है। तो देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस तरीके का जो मुकाबला है वो यहां पर देखने को मिलेगा। फतेहपुर में एसपी 4,514 वोटों से इस समय आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं कैसरगंज सीट की भी हमने बात की, इसी के साथ कन्नौज की भी बात की। और बात अब करेंगे गाजीपुर की, गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी की अगर बात करें अफजाल अंसारी 72,000 वोटों से आगे हैं। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी 72,000 वोटों से आगे हैं। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए हर वो चीज यहां पर वोटों के अंतर को दर्शा रही है जो कि चुनावों से पहले हुई है, हर वो बिंदु इशारा कर रहे हैं वोटों की बढ़ती गिनती और घटती संख्या के आधार पर किस तरीके से जो तमाम चीजें रही हैं, तमाम घटनाक्रम रहे हैं वो यहां पर निर्णायक साबित होते दिखाई दे रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो इमरान मसूद 96,000 वोटों से आगे है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 96,000 वोटों से यहां पर भी इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा आपके सामने है, हर एक घटनाक्रम जो हुआ वो कहीं ना कहीं वोटों में अंतर के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो सहारनपुर की अगर बात करें इमरान मसूद प्रत्याशी रहे और बड़ी लीड आपने हासिल कर ली है, लगभग जीत की तरफ बढ़ गए, क्या कहना चाहिए? नहीं अभी तो मतलब काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग खत्म होने दीजिए।